क्रिकेट के लिए। आप भूल जाए कि नेपाल था, बाबर आजम, विराट, रोहित, जब ये किसी टूर्नामेंट का आगाज 100-150 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वो मोमेंटम, रिदम, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, टीम का भी रहता है। इफ्तिकार ने नीचे आके 100 बनाया एंड पाकिस्तानी बॉलिंग जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने आके किया। पाकिस्तान एक मैच एशिया कप में जीत के जा रहे हैं, प्लस वो श्रीलंका में 3 मैच अभी अफगानिस्तान से हफ्ता पहले खेले थे। As already I said, उनको इसका कितना बड़ा एडवांटेज है? ये पाकिस्तान दा मैच होण वाला अज ते आउणगे नज़ारे पूरे इंडिया दे पाकिस्तान दे लोकां नूं बहुत ज़्यादा एंटीसपेशन है इस मैच नूं लै के, बड़े ज़्यादा एक्साइटेड है सारे जने। मीडिया दे विच भी हंगामे लगे पे ते पता नहीं किन्नी हाइप क्रिएट की पई है इस मैच की। हुण देखना यह होगा कि जितूगा किहड़ा। रीसेंटली मैं पोल किया अपने मेन चैनल दे पंजाबी रीडी ते, जाके उस पोल दे विच आंसर करो कि कौन जितूगा, ठीक है। तो दूजी गल जिहड़ा अपना दूजा चैनल है पंजाबी रीडी टीवी एक्सट्रा, इत्थे आपां क्रिक रिएक्ट दा एक एपीसोड अपलोड किया जदों पाकिस्तान वर्सेस नेपाल होया सीगा, ते हुण पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दा अज जदों मैच खत्म होगा उस तों बाद जिहड़ा अपलोड होएगा ये वाला एपीसोड। तो अज गल करांगे कि विक्रांत गुप्ता की सोचते हैं पाकिस्तान के बारे, पाकिस्तानी टीम के बारे, बाबर आजम कैप्टन के बारे। देखो भी मैं थोड़ी जी गल करूँगा फिर वीडियो शुरू करते हैं। नो डाउट कि अज तो 12 महीने जिहड़ी टीम सी पहला मतलब पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो हुण उन्हां दी जो स्ट्रैटेजी है वह जबरदस्त है, उन्हों का सारा कुछ सैटल्ड है, चाहे वह मिडल ऑर्डर है चाहे फास्ट बॉलरस है, सब कुछ सैटल्ड है, ठीक है। लेकिन इंडिया दे विच हजे भी ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जिन्हें भी ये प्लेयरस आ रहे हैं, चाहे वह बुमरा तो बहुत उम्मीदा ने, तो या फिर होर जिन्हें भी प्लेयरस है, तो रोहित ने पता नहीं कदों लास्ट टाइम चंगा खेडिया सीगा मैच ते, जां फिर जेकर बॉलर्स की गल कर लो तो जिन्हें भी मतलब मोस्टली जिहड़े खिलाड़ी है वो इंजर्ड होके आए हैं, ठीक है। तो हुण इंजरी तो बाद कई तो इदा के भी प्लेयर है जिहड़े पहली बार इंटरनेशनल खेडण रहे हैं। सो देखो बई हुण की है, दूजे पासे पाकिस्तान है जिहड़ा पूरी सीरीज़ जित चुके अफगानिस्तान नाल, जिहड़ा पाकिस्तान वर्सस नेपाल जित चुके आ, तो हुण अगे देखो उन्हां दा कॉन्फिडेंस पीक ते है। लेकिन इंडिया टीम का की बनूगा बट आई डोंट नो, पर आपां तां सपोर्ट करांगे यार इंडिया नूं एंड पाकिस्तान नूं भी जरूर करांगे, क्योंकि पाकिस्तान की भी खेड वधिया। सो इस गेम नूं एज अ इंजॉयमेंट लवांगे, पर उम्मीदां तां है इंडिया तो, क्योंकि मैं इंडियन हाँ, तो फिर भाई मैं अपनी टीम तो सपोर्ट जरूर करूँगा, जेकर ना करूँगा तो मैं देशद्रोही बन सकदा, पर नहीं इदां दी कोई गल नहीं है, जिहड़ी टीम वधिया खेडूगी उही जितूगी, पर दिलों तो यही है कि हाँ इंडिया जिते। चलो अगे देखते हैं, आओ जी फिर वीडियो करते हैं शुरू के विक्रांत गुप्ता की सोच रखते हैं। सरकार की जो घड़ी है वो खत्म होने वाली है, क्यों? क्योंकि एशिया कप शुरू हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम भी कल रात जीत के कैंडी पहुंच चुकी है, भारत की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो हमने देखा, एक तो कल मुकाबला देखा, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। आप भूल गए कि नेपाल था, बाबर आजम, विराट, रोहित, जब ये किसी टूर्नामेंट का आगाज 100-150 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वो मोमेंटम, रिदम, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, टीम का भी रहता है। इफ्तिकार ने नीचे आके 100 बनाया एंड पाकिस्तानी बॉलिंग जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने आके किया। पाकिस्तान एक मैच एशिया कप में जीत के जा रहे हैं, प्लस वो श्रीलंका में 3 मैच अभी अफगानिस्तान से हफ्ता पहले खेले थे। As already I said, उनको इसका कितना बड़ा एडवांटेज है? देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, बताया मैंने, फैंस मुझे मिले जो फ्लाइट में हमारे साथ थे, जो क्रिकेट के मतलब जो जिनको क्रिकेट का कीड़ा होता है ना, उस तरह के फैंस मुझे फ्लाइट में मिले। मैं आपको, और फिर मुझे श्रीलंका के कुछ क्रिकेट फैंस जो है वो एयरपोर्ट पे मिले। मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगा, और क्योंकि आपने पाकिस्तान का सवाल पूछा तो उसी के से जुड़ा बताऊंगा। इंडियन फैंस मुझे 4-5 एक दो फ्लाइट में भी मेरे आसपास ही बैठे थे, तो पूरे फ्लाइट की जर्नी में यही बातें होती रही। ज्यादातर भारतीय फैंस ने कहा, यार इस बार पाकिस्तान की टीम है ना वो अच्छी नजर आ रही है, हमने भी वो मुकाबला देखा नेपाल के खिलाफ, उससे पहले अफगानिस्तान वाले मैचेस भी देखे, यार अब पाकिस्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है। बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, उनका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है, और बड़ी तारीफ नवाज और शादाब की भी कर रहे थे कि यार 4 विकेट लिए हैं उन्होंने। एक ने कहा मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था कि नवाज उस एशिया कप का वो जो यूएई में मुकाबले हुए थे वो जिता सकते हैं, तो काफी तारीफ हो रही थी पाकिस्तान की। गेंदबाजी की तो कर ही रहे थे भारतीय फैंस, लेकिन उनकी बाकी टीम बैटिंग और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर शायद वही बात हुई जो हमने कहा कि वही आप 7-8-10 साल पहले कहते ना तो एक तरफा मुकाबला होता, भारतीय टीम काफी आगे थी, बल्कि 5 साल तक पहले भी आप मुझसे कहते भारतीय टीम काफी आगे थी। अब भारतीय फैंस के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर मान गए
कि 50-50 का मुकाबला है भाई, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। Definitely. ये भारतीय फैंस का नजरिया था जिनको मैं आज ही सुबह एयरपोर्ट पे मिला हूँ या फ्लाइट पे मिला हूँ। अब मैं आपको श्रीलंकन फैंस के बारे में बताता हूँ। हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे जिन्होंने हमारे लिए टैक्सी ऑर्गेनाइज कराई, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन है, तो उनके साथ मेरी शुरुआत हो गई बात की भाई जयसूर्या बेहतर है या अरविंद डिसिल्वा बेहतर है, उस पर हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर मुथैया मुरलीधरन लेकर और कलू विदारना, सबके ऊपर हमने श्रीलंकाई क्रिकेट पे काफी बात की। जयवर्धन ने संघ पता क्या कहा, आप तो उन्होंने कहा आप मुझे पता है आप इंडिया से हो, आप क्रिकेट के जर्नलिस्ट हो, आप इतनी चीजें बात करो, मुझे आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा शायद आपको पसंद ना आए, वो ये कि यार पाकिस्तान की टीम मुझे बेहतर लग रही है। और वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान की टीम इसलिए भी अच्छी लग रही है फिलहाल, एक तो अच्छा खेल रहे, उन्होंने कहा निजी कारण यह है कि यार हमारे क्रिकेट की ना काफी मदद भी कर रहा है पाकिस्तान की टीम, जब कोई ज्यादा हमारे साथ नहीं खेल रहा था या जब हमें वहां जाना था तो उन्होंने हमारी मदद की, हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज भी मुझे पाकिस्तान टीम की बड़ी पसंद आ रही है और वो क्रिकेट भी बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। तो उनकी पैनी नजर थी, काफी अच्छे क्रिकेट को वो समझते थे। सही है भाई, ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में आपको दे रहा हूं एक श्रीलंकाई फैन का। तो देखो इस बार मीडिया दे विच भी पाकिस्तान टीम दी जय जयकार हो रही है, मेरे ख्याल एदा इफेक्ट उस टीम ते भी पाऊगा, वो बहुत मोटिवेटेड फील करनगे। ते दूजी साइड इंडिया टीम नू काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है मीडिया दे विच, चाहे वह पाकिस्तान के द्वारा हो, पाकिस्तान च मोस्टली ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान च तो अपनी तरीफा करन जी अपनी टीम दियाँ, लेकिन इंडिया दे विच इंडियन टीम नू क्रिटिसाइज किया जा रहा, उहदे नाल हुण पता नहीं कि डीमोटिवेट ना हो जाणगे, तो मेरे ख्याल इस चीज़ नू मोटिवेट रह के एक इंस्पिरेशनल कोट्स सुन लैन, तो इदां दा रखण के यार नहीं असीं जिन्ने भी मीडिया च गल्लां हो रहीयां सारियां नू झुठला देना, असीं खेड के दिखाउणा। जो एक जनरल जो एक सेंटिमेंट है चाहे वो भारतीय फैंस का हो या श्रीलंकाई फैंस का, सब कह रहे हैं इस बार कांटे की टक्कर है। और मुझे जो एहसास हो रहा है, ऐसा किसी ने कहा, मुझे जो एहसास हो रहा है उनकी बातें सुन के कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं हम 19 तो नहीं है इस तरह की बातें हो रही नहीं। आप देखिए आज भी मैं कंडीशंस देख रहा हूँ स्पिनर्स और उनका, देखिए पाकिस्तान का बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक तो है, ये तीन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाते हैं वो, नसीम हारिस ते शफरीदी, नवाज खेलेंगे और शादाब खेलेंगे। मुझे लग रहा है इंडिया शायद इन कंडीशंस को देख के तीन स्पिनर्स कंसीडर करेगा, एक जडेजा, एक अक्षर पटेल, एक कुलदीप यादव और दो फास्ट बॉलर्स। कुलदीप यादव कुछ कर सकता है, आपको लगता है यही होगा? जी मैं भी आपसे सहमत हूँ, आई थिंक तीन स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम को यहाँ जाना चाहिए। हम देख रहे हैं जिस तरह की कंडीशंस है, आज मैं थोड़ा हैरान हूँ, जैसे आपने कहा ना थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम वो एज लेके जाएगी यहाँ खेली है, आज भारतीय टीम यहाँ अभ्यास कर सकती थी, कल वो पहुँचे हैं पर आज भारतीय टीम का कोई अभ्यास नहीं था, और इसको लेकर थोड़ा हैरान मैं लेकर हूँ, क्योंकि ठीक है सफ़र आपका मैंने अभी आपको बताया थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं, और भारतीय टीम तो बैंगलोर से आई, बहुत ही छोटी फ्लाइट है, फिर आपको 3-3.5 घंटे आपको लगे होंगे यहाँ पहुंचे। तो आज पाकिस्तान जो बीच में स्पिन डलवाएगा, एक तो शादाब उनके राइट आर्म लेग स्पिनर होंगे और नवाज उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, और आपको वहां पर आइडियली एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए होगा जिसका काम होगा उन स्पिनर्स को तोड़ना। अगर राइट हैंडेड बल्लेबाज उन दोनों को फंस जाएंगे तो भाई रनों में भी दिक्कत आ सकती है, ये भी हो सकता है। बट जो भी है बहरहाल निखिल पहुंच गए हैं श्रीलंका, वो इस वक्त कैंडी में है, उन्होंने बताया कि परसों की फोरकास्ट है, आज बरसात हो रही थी बट मैच हो रहा है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो। भारत ने आज अभ्यास नहीं किया, वो तो खैर आप जानते ही हैं, कल भारत की टीम ने 5:30 बजे प्रैक्टिस करनी है, पूरा दिन था, टीम कुछ प्रैक्टिस कर सकती थी, एक रात पहले पहुंची थी बट वैसा कुछ अभ्यास हुआ नहीं। बहरहाल हमें ये बताया गया है कि कल भारतीय टीम शाम को यहाँ के, और अब टाइम तो अब सेम ही है, 5:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज अगेन आप कैंडी पहुंच गए हैं, आप कंडीशंस भी देख रहे हैं, अब ये तो निखिल तय है कि ईशान किशन ने खेलना है, विकेट कीपर आपके वही होंगे, ये भी तय है किसी को चोट ना दोबारा से निगल पिघल ना हो जाए, तो रोहित शर्मा भी खेलेंगे, शुभमन गिल भी खेलेंगे, विराट भी खेलेंगे, ईशान भी खेलेंगे, अय्यर भी खेलेंगे और हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे, ये 6 भी आपके तय हैं। मुझे आप बैटिंग ऑर्डर बताइए, उसके साथ ये भी जोड़ता हूँ कि आपका 4 नंबर आइडियली अगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आएगा तो अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो चुका है, 4 नंबर का मतलब ये होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ वीजा का, पाकिस्तान के वीजा, मतलब वहां से मुझे इतने लोग कह रहे हैं विक्रांत भाई कहाँ रह गए,
मैंने कहा जी मैं तो यही हूं, पासपोर्ट लेके घूम रहा हूं और अभी तक वहां से वीजा क्लियरेंस नहीं आई है, तो अगर आ जाएगी तो पाकिस्तान चले जाए। ये ऐसे उन्होंने कहा जी, मैं बहुत से श्रीलंकन फैंस की बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं बिकॉज बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग खेल रहे। तो एक एसोसिएशन हो जाती है ना, एक इंसान के साथ आपकी एसोसिएशन हो जाती है। चलो भी श्रीलंकन सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में तो क्लियर हो गया। ये लोग जब आईपीएल खेलते हैं तब, तो आईपीएल जब खेलते हैं तो फिर वो दो महीने 10 दिन का प्यार बड़ा है सर। तो उन्होंने लेकिन बताया कि इंडियन पाकिस्तानी काफी फैंस वहां पहुंचे, वो सब कोलंबो में, और वो आएंगे, कैंडी आएंगे। चलो भाई गाइस, ये सी आई दी एक वीडियो ते मेरी यही अपील है कि पाकिस्तान दी गवर्नमेंट नूं कि विक्रांत गुप्ता सर नूं वीज़ा दो पाकिस्तान दा, क्योंकि पाकिस्तान दे जिहड़े लोक आ वह विक्रांत गुप्ता नूं बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम की बहुत तारीफा करते रहते हैं। मतलब आई नहीं है कि ये कोई बटरिंग करते हैं, ये जेन्यून गल दसते हैं, जो ऑनेस्ट ओपीनियन अपनी वही दसते, क्योंकि पाकिस्तानी टीम खेड रही है। बाबर आजम एज अ कैप्टन बहुत अच्छा साबित हो रहा है, लास्ट टाइम उन्होंने 150 स्कोर बनाए है, वो करके बड़ा मोटीवेट हुई है सारी टीम। बॉलरस इन्हों के बड़े वधिया 150-150 की स्पीड से तो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो चलो इंडिया के भी बॉलर घट खतरनाक नहीं है बई, ऐतकी 50-50 का मुकाबला तुम कह सकते हो। अज तो साल क पहला जो विराट कोहली ने अफरीदी की बॉलिंग एक अटैक किया, उस टाइम अफरीदी भी घबरा गया सीगा कि यार ये विराट, पर विराट कोहली भी तुम्हें पता है यार ही इज़ द नंबर वन बैट्समैन, एंड विराट कोहली कह रहा है कि बाबर आजम इस टाइम नंबर वन बैट्समैन है। तो तुम ये सोच सकते हो कि जेकर विराट कोहली ये गल कह रहा तो वह भी इस चीज़ को मानते हैं कि इस बार 50-50 का जो मुकाबला होना, इस बार की जी हाइप है ना वो बहुत ज़्यादा वड्डी है। लोग मैं कहना टीविया के अगे आए जुड़े बैठे हो गए ना मैच के दौरान कि बस छड़ दो गल्ला। लाइव रिएक्शन आप देवे अपने एक्सट्रा चैनल पर जाके उस चैनल में भी सबसक्राइब कर लो, तो इस भी सबसक्राइब कर लो। आह जिन्ना चर एशिया कप चलता थोड़िया क्रिकेट दीडियोज़ ज़्यादा आनगियां, बाद बाद फिर बैक टू नॉर्मल जो रिएक्शन चलते हैं उदा ही चलावे। सो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, तो चैनल सबसक्राइब करो, एंड उस पोल पर जाके कमेंट जरूर करो कम्यूनिटी पोस्ट के इंडिया जितू के पाकिस्तान। मिलते हैं किसी और वीडियो, सत श्री अकाल।